खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मोहल्ला स्वच्छता समिति के फर्जीवाड़े की फाइल को जिलाधिकारी ने तलब किया है। बता दें कि मोहल्ला स्वच्छता समितियों में 99 अज्ञात स्वच्छता कर्मचारियों की नियुक्ति दर्शाकर वेतन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया था। इसकी जांच में सामने आया है कि स्वच्छता समितियों की ओर से जिन 100 कर्मचारियों को पर्यावरण मित्र दर्शाकर लाखों का वेतन लिया गया, दरअसल उनकी नियुक्ति हुई ही नहीं। साथ ही फाइल पिछले 2.5 महीने से नगर निगम में दबी पड़ी है। वहीं अब जिलाधिकारी सविन बंसल ने मोहल्ला स्वच्छता समितियों की फाइल तलब की है। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि यह मैटर एग्जामिन किया जा रहा है, जांच के बाद जो उचित कार्रवाई करी जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये मैटर एग्जामिन किया जा रहा है और इसमें जो भी हमारी जांच कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उसके अनुसार त्वरित कार्रवाई की जाए। अन्य भी मिश्यूज पे हुई है, ये मैटर तो हमें अब एग्जामिन करना है अपने लेवल पे, क्योंकि ये तो इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है और इसकी जो रिकमेंडेशंस है उस पर हमको आगे